हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेंजिंग यूआर। तो हम बात करने वाले हैं विजन के बारे में। तो क्या हमें एवेंजर्स 4 में विजन दिखेगा या नहीं, और अगर दिखेगा तो इसके क्या चांस है। सो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इन्फिनिटी वार के स्पॉइलर के साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विजन को हमने सबसे पहले देखा था एज ऑफ अल्ट्रॉन में। विजन को क्रिएट किया था अल्ट्रॉन, टोनी एंड बैनर के एक्सपेरिमेंट ने। इन्फिनिटी वार में विजन के पास एक इन्फिनिटी स्टोन होते हुए भी वह इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया जितना हमने उसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। पूरी वकांडा की लड़ाई सिर्फ विजन के माइंड स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, जहाँ पे सारे सुपर हीरोज सिर्फ विजन को प्रोटेक्ट करते हैं, पर थानोस के आगे उन सबकी प्रोटेक्शन फेल हो जाती है और विजन मारा जाता है। तो अब हमें विजन एवेंजर्स 4 में कैसे दिखेगा। सो पहले चांस की बात करें तो हमने वकांडा की बैटल के दौरान देखा था सूरी विजन और माइंड स्टोन के बीच में न्यूरल लिंक को रीमैपिंग कर रही थी, या सीधे सीधे यू कहे कि वह स्टोन को उससे अलग कर रही थी। पर वहां पे कॉर्वस ग्लेव के आने से उसका काम अधूरा रह जाता है। पर हम जानते हैं कि सूरी कितनी इंटेलिजेंट है, इसलिए उसने जो भी डाटा प्राप्त किया होगा माइंड स्टोन से, उससे वह एक विजन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर बना सकती है। तो हो सकता है कि हमें एवेंजर्स 4 में विजन इतना पावरफुल नहीं दिखाया जाए, लेकिन वह जिंदा जरूर होगा। सेकंड चांस की बात करें तो इन्फिनिटी वार के शूटिंग के समय पॉल बेटनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फ़ोटो अपलोड की थी जिसमें हमने विजन को देखा था, और ये फ़ोटो एवेंजर्स 4 के सेट फोटो से थी। तो इसका मतलब ये है कि एवेंजर्स 4 में विजन जरूर होगा। अब हो सकता है कि विजन हमें एवेंजर्स 4 में टाइम ट्रेवल के दौरान सिर्फ सुकोविया में लड़ता हुआ दिखाया जाएगा। तो यार, ये दो चांस है कि हमें एवेंजर्स 4 में विजन दिख सकता है। अगर आपके पास में कोई और फैक्ट है तो मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। वेल, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही मार्वल के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट न्यूज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।